प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो है हम व्याकरण का पाठ एक हिंदी में शुरू करने वाले हैं। जो आपकी हिंदी ग्रामर बुक है उसका हम लेसन वन जो है स्टार्ट करने वाले। आपकी हिंदी की बुक ग्रामर की ये है, इसका क्या नेम है? भाषा गरिमा हिंदी व्याकरण। ओके, तो ये आपकी हिंदी ग्रामर बुक है और इसका हम पाठ एक आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने और देखें। व्याकरण पाठ एक, भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा, भाषा क्या होती है? लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? ये एक माध्यम है, मीन्स एक सोर्स है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी बात, जो अपनी बात होती है, हम एक दूसरे से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो हम अपनी बात जो है एक दूसरे तक इसी जिस माध्यम से, जिस सोर्स से पहुंचाते हैं उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाषा। तो फिर से देखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात, जो हमारे विचार होते हैं, हमारी बात होती है, वो हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला रूप होता है मौखिक, क्या है? मौखिक। और दूसरा रूप है लिखित। मौखिक मीन्स जब हम मुंह से बोल के अपने विचारों को, अपनी बात को प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात को क्या करके, लिख कर, लिखित मीन्स लिख कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप हो गए? टू रूप। एक तो हो गए मौखिक, जो हम मुंह से बोलते, मौखिक। नेक्स्ट इज लिखित। लिखित मीन्स जो हम लिख के प्रस्तुत करते हैं उस रूप को लिखित रूप कहते हैं। तो भाषा के दो रूप आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लेते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कितने कौशल होते हैं? चार कौशल। भाषा के कितने कौशल होते हैं? दोबारा बोलेंगे, चार कौशल। पहला है सुनना। जब कोई अपनी बात बोल रहा हो तो हम सुनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सुनना। दूसरा कौशल है बोलना। दूसरा कौशल है बोलना। और तीसरा कौशल क्या है? पढ़ना। क्या है तीसरा कौशल? पढ़ना। और लास्ट फोर्थ जो है कौशल है भाषा का, लिखना। क्या है? लिखना। तो भाषा के कितने कौशल हैं? चार कौशल हैं। दोबारा देखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी बेटा, जो पहले दो कौशल हैं, जो कि सुनना और बोलना, वो भाषा के मौखिक रूप में ही आते हैं। सुनना और बोलना मौखिक रूप में ही आते हैं भाषा के दोनों कौशल, और पढ़ना और लिखना रूप में आते हैं। इसके बाद जो है हम अपना चैप्टर बुक से रीड करेंगे। सो बी रेडी विद योर बुक। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की व्याकरण की बुक निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? भाषा। अब हम जो है एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको अपने लिए बाजार से कोई खिलौना मंगवाना है। यह बात अपने पिताजी तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको अपने पापा से कोई भी टॉय मंगाना है मार्केट से, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पिताजी को पत्र लिखेंगे, अपने पिताजी को लेटर लिखेंगे, पिताजी को फोन से संदेश मीन्स मैसेज भेजेंगे, पिताजी को फोन करेंगे,
या डायरेक्टली मैसेज नहीं करेंगे और अपने पापा को फोन कर देंगे, या पिताजी के पास जाकर उन्हें बताएंगे, उनके पास जाएंगे और अपनी बात बताएंगे कि पापा मुझे आप मार्केट से टॉय ला दो। ऊपर दिए गए किसी भी तरीके से अपनी बात अपने पिताजी तक पहुंचाने के लिए आपको भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप किसी भी सोर्स के थ्रू अपने पापा से बात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन आपको अपने पापा से बात करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको लैंग्वेज मीन्स भाषा का यूज करना पड़ेगा। बिना भाषा के आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। मतलब जब भी आप अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, चाहे आप मैसेज करेंगे चाहे फोन करेंगे, तो आप अपनी भाषा का ही यूज करेंगे ना। भाषा से ही आप अपनी बात दूसरे पर्सन को बता सकते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे भाषा की डेफिनेशन दी हुई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात एक दूसरे से पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप पेज नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 6, और ऊपर से देखेंगे हम अपनी बात को दूसरों तक दो प्रकार से पहुंचा सकते हैं। जब हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, कोई भी मैसेज देना है या बात पहुंचानी है, तो हम दो रूप से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था, बोलकर या मौखिक रूप से, ठीक है। बोलकर या मौखिक मीन्स बोलकर, मैंने बताया था, बोलकर या मौखिक रूप से। दूसरा है लिखकर या लिखित रूप से। लिखित मीन्स लिखकर, जब हम लिख के किसी को अपनी बात समझाते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित रूप। तो भाषा के कितने दो रूप होते हैं, मैंने बताया था बोर्ड पे आपको, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। और जो है मैंने भाषा के आपको कौशल बताए थे ना मैंने आपको, भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये भाषा के चार कौशल हैं। इसमें से जो सुनना और बोलना जो है, वो भाषा के मैंने बताया था मौखिक रूप हैं, और पढ़ना और लिखना लिखित रूप है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं, तथा लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। चलो बच्चों, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है रीडिंग। अब हम जो है इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं, ओके। अभ्यास कार्य मीन्स एक्सरसाइज। क, चित्र पहचान कर भाषा के उचित कौशल के सामने सही का निशान लगाइए। आपको पिक्चर को देखना है और आपको टू टू ऑप्शन गिवन है, तो आपको करेक्ट जो है सही कौशल पे निशान लगाना है। तो ये लेडी क्या कर रही है, टीचर है आई थिंक, तो ये पढ़ना या लिखना ये क्या कर रही है, बोर्ड पे लिख रही है ना, तो व्हाट विल कम, लिखना। तो लिखना के सामने जो बॉक्स है उसमें आप टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज, ये गर्ल क्या कर रही है, इस बॉय से बात कर रही है ना, बोलना या पढ़ना, तो ये बोल रही है ना, तो बोलना के ऊपर आप टिक कर देंगे। अब आप जो है नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, दैट इज पेज नंबर 7, ओके। थर्ड पिक्चर इज देयर, ये चित्र दिया हुआ है आपको, इसमें दादी जी बैठी हुई हैं। दादी जी जो हैं वो क्या कर रही हैं, सुनना या पढ़ना, दादी जी क्या पढ़ रही है ना दादी जी, तो क्या आएगा, पढ़ना। पढ़ना के सामने जो बॉक्स है उसमें टिक मार्क लगा देंगे। फोर्थ है लिखना या सुनना, ये पर्सन क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है ना, तो व्हाट विल कम, सुनना, तो इस पे आप
टिक लगा देंगे। ख, उचित शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। ये आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ऊपर, उसमें आपको वर्ड्स दिए हुए लिखित, दो, भाषा और मौखिक, और फोर बिट्स दिए हुए, इसमें आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे सप्लाई करना है। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी अभी पढ़ा था हमने भाषा, तो भाषा की स्पेलिंग यहां से यहां लिखेंगे भाषा। सेकंड, भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप पढ़े थे हमने? दो, तो क्या आएगा? दो, भाषा के दो रूप होते हैं। थर्ड है हमारा, पत्र लिखना भाषा का डैश रूप है। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप, तो क्या आएगा इसमें? लिखित, यहां से आप लिखेंगे स्पेलिंग देख के। नेक्स्ट फोर्थ है, टेलीफोन पर बात करना भाषा का डैश रूप है। टेलीफोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, मुंह से बात कर रहे हैं ना, तो मौखिक आएगा। यहां से आप स्पेलिंग कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाठ ग, भाषा के चारों कौशलों के नाम लिखिए। हमने लेसन में पढ़ा था फोर कौशल के नाम। पहला है सुनना आएगा, सेकंड आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना, और फिर आखिर में क्या आएगा? लिखना। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा और आपको अभ्यास कार्य भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये पेज आपको बुक में फिल करने हैं और फिर लर्न करना है, और साथ में लेसन को भी प्रॉपरली रीड करना है। ओके?